हेलो डियर स्टूडेंट, अगेन वेलकम बैक इन द क्लास ऑफ एस एम डी टी फिजिक्स। स्टूडेंट, आज जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है नाभिकीय सेलियंस में उत्सर्जित ऊर्जा। देखिए स्टूडेंट, बीएससी एमडीएस के अकॉर्डिंग हमारा ये टॉपिक है। एग्जाम में पूछा जाता है कि नाभिकीय सेलियन में उत्सर्जित जो ऊर्जा का मान है वो कितना होता है। पर अपन पहले केवल उस ऊर्जा को पढ़ने से पहले अपन पढ़ेंगे नाभिकीय सेलियन किसे कहते हैं, उसकी शर्त क्या होती है, उसकी कंडीशन क्या होती है। उसके बाद अपन पढ़ेंगे ताप नाभिकीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे रिएक्शंस, और रिएक्शंस के बाद अपन जानेंगे कि नाभिकीय जो सेलियन होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो कितनी निकलती है। और लास्ट में अपन ये देखेंगे कि नाभिकीय विखंडन से और नाभिकीय सेलियन से दोनों का अनुपात कितना है। अनुपात देखेंगे कि कौन किससे ज़्यादा एनर्जी देता है। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए नाभिकीय सेलियन किसे कहते हैं। नाभिकीय सेलियन की परिभाषा होती है जब दो हल्के नाभिक। अब हल्के नाभिक कौन से हो गए स्टूडेंट, जैसे हो गया ड्यूटेरियम, ठीक है, जैसे ड्यूटेरियम। और क्या हो जाएगा स्टूडेंट, जो हाइड्रोजन के समस्थानिक है ना वो आ जाएंगे किसमें, जब दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं स्टूडेंट, भारी न्यूक्लियस का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। जब दो हल्के नाभिक परस्पर जुड़कर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को जो ये प्रोसेस है, तो इस प्रक्रिया को स्टूडेंट नाभिकीय सेलियन कहते हैं। अब स्टूडेंट नाभिकीय सेलियन होता काम पे ये देखेंगे, और इसमें मतलब जो एनर्जी निकलती है वो कितनी होती है ये देखेंगे। पहले एक बार ये अपन परिभाषा पे बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम, ठीक है, ट्यूटेरियम भी होता है, 1s3 बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो 1s2, दो 1s2 मिलके क्या बना लेंगे, एक भारी नाभिक। जैसे मान लीजिए कि 2h4 है, हीलियम बना लेगा, ठीक है। तो जब दो हल्के नाभिक जुड़कर परस्पर एक भारी नाभिक बना लेते हैं तो इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, नाभिकीय सेलियन कहते हैं। इसकी मेन दो कंडीशन होती है स्टूडेंट। सबसे पहले कि इसके लिए जो नाभिक की गतिज ऊर्जा, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए, बहुत अधिक। कितनी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, पहली। दूसरा ताप, दूसरा क्या होता है, ताप। ताप का मान बहुत ज्यादा होना चाहिए, 10^7 से 10^8 केल्विन के आसपास क्या होना चाहिए, ताप होना चाहिए। अब स्टूडेंट इतना ताप ना पृथ्वी पर नहीं मिल पाएगा, ठीक है। इतना ताप आपको कहाँ पे मिलेगा, सूर्य पे मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, सूर्य पर मिलता है। और स्टूडेंट आप जानते हो कि सूर्य के पास बहुत अधिक मात्रा में क्या एनर्जी है, और वो कंटिन्यू बढ़ी रही है। इसका कारण क्या है पता है, कि सूर्य पे जो अभिक्रियाएं होती है वो नाभिकीय विखंडन की नहीं होती, नाभिकीय सेलियन की होती है, ठीक है। अर्थात जब दो नाभिक जुड़कर एक नया नाभिक बनाते हैं ना, तो उससे एनर्जी जो रिलीज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, विखंडन से भी ज़्यादा होती है सेलियन की, ठीक है। पर सेलियन क्यों नहीं हो पाता, हमें परमाणु भट्टी की क्यों आवश्यकता रहती है, हम नाभिकीय सेलियन भी तो करवा सकते हैं पर नहीं करवा पाते। क्यों, उसके लिए टेम्परेचर कितना रिक्वायर्ड रहता है, ये रिक्वायर्ड रहता है, और ये टेम्परेचर हम बना नहीं सकते। इसलिए अपन जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स लगाते हैं उनमें क्या करते हैं, नाभिकीय विखंडन करते हैं, ना कि सेलियन, पहली बात। दूसरी बात, नाभिकीय सेलियन जब कंप्लीट हो जाता है स्टूडेंट, तो उनके द्रव्यमान में क्या आता है, चेंज आता है। द्रव्यमान में क्या आता है, चेंज आता है। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल से बता रहा हूँ, 4 ग्राम और 5 ग्राम के दो नाभिक सेलियत होकर बने, एग्जांपल से समझते हैं ना। डेलम का मतलब चेंज होता है, वो क्या होता है, M2-M1 बोल सकते हो आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि 4 और 5 ग्राम के दो नाभिक जुड़े, तो उनका तो उनको रिजल्टेंट कितना मिलना चाहिए, 9 ग्राम, जबकि ऐसा नहीं मिलता। क्यों, क्योंकि बाद का जो द्रव्यमान है वो पहले वाले द्रव्यमान से क्या होता है, कम होता है, ठीक है। तो जो द्रव्यमान में चेंज आता है वो किस से निकलता है, वो निकलता है ऊर्जा से। वो किससे निकलता है, सेलियन की ऊर्जा से। सेलियन की ऊर्जा का मतलब समझ रहे हो ना, जो मास में चेंज आया वो चेंज ही क्या होता है, सेलियन की ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है,
मुक्त हो जाता है। अभी तक हमने पढ़ा कि जब विखंडन होती है तब एनर्जी निकलती है, आज अपन पढ़ रहे हैं कि जब संलयन होता है तो भी क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है और विखंडन से भी ज़्यादा निकलती है। ठीक है, तो जो द्रव्यमान में चेंज आता है वो संलयन ऊर्जा से निकलता है। उसके बाद ताप नाभिकीय अभिक्रिया, तो वे नाभिकीय अभिक्रियाएं, वे नाभिकीय अभिक्रियाएं अभिक्रियाएं जो उच्च ताप पर, अच्छा वे नाभिकीय अभिक्रियाएं कौन सी स्टूडेंट ब्रैकेट में लिखेंगे, वे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं, वे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं जो किस पर होती हो, उच्च ताप पर संभव होती हो, उच्च ताप पर संभव होती हो, क्या कहलाएगी, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं, अर्थात जिनको हाई टेम्परेचर पे क्या किया जाता हो, कंप्लीट करवाया जाता हो, क्या कहलाती है, ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं। स्टूडेंट हमने जाना नाभिकीय संलयन, सिंपल सी बात है, दो हल्के नाभिक जुड़ो भारी नाभिक बना लो तो क्या बन जाएगा, नाभिकीय संलयन। पर जो दो हल्के नाभिक जुड़ के भारी नाभिक बनाएंगे तो जो बाद में द्रव्यमान होगा परिणामी नाभिक का वो पहले वाले से क्या होगा स्टूडेंट, कम होगा। तो जो डेल एम जो चेंज आता है वो किस में रिलीज होता है, नाभिकीय ऊर्जा में चेंज होता है। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, कंडीशन क्या है, कंडीशन इनके लिए नाभिकों की गतिज ऊर्जा क्या होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, इसका मतलब सीधा सा है कि जब नाभिक टकराएंगे मतलब जुड़ेंगे, जुड़ने के लिए आपस में आएंगे, तो जब नाभिक आपस में आएंगे तो उनकी गतिज ऊर्जा बहुत होनी चाहिए, मेगावाट के आसपास होने चाहिए, और ये चीज़ भी अपन पॉसिबल नहीं कर पाते, इसलिए अपन नाभिकीय संलयन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि इसमें ताप भी तो ज़रूरी है ना, 10^7 से 10^8 केल्विन, और ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती। और नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है कहाँ पर, सूर्य पर, सूर्य पर जो हाइड्रोजन ड्यूटेरियम के हाइड्रोजन के समस्थानिक है ड्यूटेरियम और टाइटेनियम जुड़ के हीलियम नाभिक बनाते रहते हैं और वहाँ पर एनर्जी बनती रहती है। अब स्टूडेंट अब अपन कुछ रिएक्शन पढ़ेंगे कि कैसे नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है, कैसे ड्यूटेरियम बनके ड्यूटेरियम बनाता है, और कई बार ड्यूटेरियम खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कन्वर्ट होता है वो दो प्रकार से होता है। तो आइए अब अपन पढ़ते हैं अभिक्रियाएं। अभिक्रिया में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोजन का समस्थानिक ड्यूटेरियम। ठीक है, अब ड्यूटेरियम क्या करेगा, देखिए स्टूडेंट अब अपन पढ़ेंगे कुछ रिएक्शन जिनसे अपन क्या निकालेंगे, संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा। ठीक है, देखिए स्टूडेंट सबसे पहले क्या होता है कि हाइड्रोजन का समस्थानिक अपन जानते हैं ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम की वैल्यू क्या होती है, 1H2। ठीक है, अब देखिए दो ड्यूटेरियम मिलेंगे, कौन मिलेंगे, दो ड्यूटेरियम, और एक क्या बना लेंगे, 1S3, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। क्या बोलते हैं, ट्राइटियम। ट्राइटियम हाइड्रोजन का ही क्या होता है, समस्थानिक होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, 1S3। तो दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना लेंगे, एक ट्राइटियम बना लेंगे और एक 1S1 को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। और इससे जो एनर्जी निकलेगी स्टूडेंट, इससे जो ऊर्जा निकलेगी वो कितनी होगी, 4 MV। ठीक है, तो वापस देखिए, दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना लेंगे, ट्राइटियम बना लेंगे, और दो ट्राइटियम मिलकर एक क्या बना लेंगे, हीलियम, और एक न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। वापस समझना, दो ट्राइटियम 1s3 और 1h3, सॉरी ट्राइटियम और ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना लेंगे, 2He4, और 2He4 और एक न्यूट्रॉन। इसमें जो एनर्जी रिलीज होगी स्टूडेंट वो कितनी होगी, 17.6 MV, क्योंकि अपन को फोकस ऊर्जा पर करना है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन गया, हीलियम नाभिक बन गया। देखिए ये तो क्या है, ट्राइटियम है, और ये क्या है, ड्यूटेरियम है, ड्यूटेरियम। ठीक है स्टूडेंट, तो दो मिलकर एक हीलियम नाभिक बना लेंगे। अब स्टूडेंट ऐसा भी होता है कि तीन ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना लेंगे, हीलियम नाभिक बना लेंगे और एक न्यूट्रॉन को क्या कर देंगे, रिलीज कर देंगे। और इससे जो एनर्जी रिलीज होगी वो क्या कितनी होगी, 21.6 MV। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, दो ड्यूटेरियम मिले, फिर एक ड्यूटेरियम और एक ट्रिटेरियम मिला, और फिर कौन मिले, दो ड्यूटेरियम मिलकर क्या बना लेंगे, हीलियम नाभिक। मैंने कहा ना, हाइड्रोजन किसमें कन्वर्ट होता रहता है, हीलियम में, और जो एनर्जी निकलती है वो मेगावोल्ट में निकलती है। तो अब स्टूडेंट अपन क्या करेंगे, एनर्जी की गणना करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, एनर्जी कितनी निकली। ठीक है, तो एनर्जी में सबसे मेन रोल प्ले कौन करता है स्टूडेंट, ड्यूटेरियम रोल प्ले करता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 kg ड्यूटेरियम में परमाणुओं की संख्या, और अपन जानते हैं कितनी होती है, एवोगाड्रो संख्या बटे
दो का भाग लग जाएगा, तो यहाँ पे एक किलो ड्यूटेरियम में परमाणु की संख्या कितनी आ गई, 3.01 × 10^26। ये किसमें आई स्टूडेंट, एक किलो में। अच्छा एक बात बताओ, तीन ड्यूटेरियम मिलकर क्या बनाते हैं, 2H4, तो कितनी एनर्जी देते हैं, 21.6 मेगावाट। तो बताओ एक ड्यूटेरियम से कितनी बनेगी, तीन का क्या लगा दीजिए भाग, मतलब 3 gives this, तो 1 कितना देगा, 1 give कितना देगा, 7.2 मेगावाट। ठीक है, अर्थात एक ड्यूटेरियम से, परमाणु से जो एनर्जी रिलीज होती है वो 7.2 मेगावाल्ट होती है। ठीक है, तो इसका मतलब एक किलो ड्यूटेरियम से कितनी होगी, एक किलो ड्यूटेरियम से होगी, एक किलो ड्यूटेरियम में परमाणु की संख्या कितनी, 3.01 × 10^26। तो इसको आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, 7.2 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आ जाएगा 13 अर्थात 13 जूल। इतनी एनर्जी निकलती है किससे, नाभिकीय संलयन से। अब स्टूडेंट जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि हम अनुपात देखेंगे किसका, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन का। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पहले संलयन लिख देते हैं, ठीक है, और नीचे लिख देते हैं विखंडन। अब अपन देखेंगे कि संलयन और विखंडन से जो ऊर्जा रिलीज होती है उनकी उनका रेशियो कितना रहता है। तो देखिए इससे तो अपन को मिलती है 34.67 × 10^13 और नाभिकीय विखंडन से मिलती है 8.27 × 10^13। तो ये लगभग कितना रेशियो आ गया स्टूडेंट, 4.2। इसका मतलब इसका मतलब संलयन से जो एनर्जी निकलती है वो विखंडन की कितनी गुना होती है स्टूडेंट, 4 गुना होती है। इसका मतलब संलयन ज़्यादा इफेक्टिव है या विखंडन, जो एनर्जी की यदि मैं बात करूं स्टूडेंट, यदि अपन बात करें अपन एनर्जी की, तो एनर्जी किसकी होती है, संलयन की ज़्यादा होती है, और विखंडन की क्या होती है, कम होती है, विखंडन की क्या होती है, कम होती है। तो ये था स्टूडेंट एक वीडियो नाभिकीय संलयन में उत्सर्जित ऊर्जा। आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ आया होगा। फिर भी यदि आपको इस वीडियो से रिलेटिव ड्यूटेरियम में कोई डाउट रहता है तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो या कमेंट सेशन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो होगा वो होगा संलयन और विखंडन में डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या होता है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। सारे जो वीडियो बन रहे हैं वो आपकी MDS यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही बन रहे हैं, अपन उस हिसाब से पढ़ेंगे कि हमारे यूनिवर्सिटी का सिलेबस वो क्या हो सके, कंप्लीट हो सके। ठीक है, कंप्लीट न्यूक्लियर फिजिक्स स्टूडेंट अपन ऑनलाइन ही करने वाले हैं। ठीक है, देखिए जितना पॉसिबल होगा हम 60% को रीच करने ही वाले हैं, मतलब एक थोड़ा सा पोर्शन यदि अपन और कर ले तो अपन कंप्लीट सिलेबस का 60% क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे, और यही अपन को इस बार करना है। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये वीडियो समझ में आ रहे होंगे। यदि समझ में नहीं आए तो आप मैसेज करके बोल सकते हो, और कोई भी डाउट तथा कोई भी क्वेरीज हो तो आप मैसेज में पूछ सकते हो।